अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो जी दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। रात को बहुत बारिश था, कल लोगों को भी छत पे नहीं छोड़ा था, तो माशाल्लाह आज बहुत ज़बरदस्त धूप निकला है। तो आज मुर्गों को भी छोड़े और आप लोग के लिए छोटा सा ब्लॉग भी बनाएंगे, तो ज़रूर आपने देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये रहे हमारे मुर्गे, मुर्गों को छत पे छोड़ दिए। ये रहा हमारा मुर्गों का बाप। तो जो दोस्तों, जब बारिश होता है तो माशाल्लाह मौसम साफ भी होता है और पौधे बिल्कुल ग्रीन हो गए जबरदस्त। जो धूल मूल पड़ा तो सारे साफ हो गए, पौधे भी साफ हो गए, हमारे मुर्गे भी छत पे छोड़ दिए, बहुत जबरदस्त हो गए। तो दोस्तों, ये एक तीतर भी रखा है मुर्गों में, मैंने इस दीवार पे पकड़ा था पौधे के साथ, तो वो भी नीचे बैठा है, मुर्गी मार रही है उसको, वो डरते पकड़ाई भी नहीं देता। दिखा देते हैं आपको, ये रहा तीतर, ये इस दीवार पे हमने पकड़ा था, माशाल्लाह भी बड़ा हो गया, बहुत छोटा बच्चा हमने पकड़ा था। ये रहा हमारा जोड़ा मुर्गियों का, ये रहे मुर्गी की बच्ची। तो जी दोस्तों, तीतर को छोड़े और तीतर मेरे ख्याल में बाहर चला गए, वो भी बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल पाता इसको। चलो पिंजरों में बंद करते हैं। ये बार बार दीवारों पे चढ़ के मेरे ख्याल में इसका पर काटने पड़ेंगे हमें। पिंजरे में बंद करता हूँ इसको। तीतर ने भी पर बड़े किए, ऐसे न भाग जाए। दोस्तों, ये मुझे काट रही है कि दाना खिला दो हमें। ये चूजे सारे मेरे पास आ रहे और मुझे काट रहे, ये देखो किटकिटा रही दरवाजे को कि हमें भी कुछ खिला दो। शौक किस रहे दोस्तों, दाना शाना जो भी बंदा डाल लेते हैं मुर्गों को, उसी को आके उसी के पीछे भाग भाग के दौड़ती है कि कुछ खिला दो हमें। तो जी दोस्तों, मुर्गों को भी बंद किए छत पे, एक जगह पे दूसरे जगह पे दौड़ती थी, कभी एक दीवार पे चढ़ती थी कभी दूसरे दीवार पे। तो मुर्गों को भी पिंजरे में बंद किए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मजीद अपनी राय दें कमेंट में। खुदा हाफिज़।